नमस्कार, मैं नूत्र पाठी। आज की तमाम बड़ी खबरें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद का कांडवा प्रयागराज में, आप लोग जानते होंगे कि प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। उमेश पाल वो जो कि अतीक अहमद के खिलाफ गवाही देने के लिए उनका रहना बहुत जरूरी था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हत्या कर दी जाती है। सरेआम गोलियां चलाकर उनको भून दिया जाता, साथ में जो गनर लगाए थे सरकार ने उनको भून दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जब सीसीटीवी खंगाला जाता है तो वहां पर अतीक का बेटा नजर आता है। वो अतीक जो कि सपा पार्टी के सांसद रह चुके, विधायक रह चुके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत दिनों से ये चीज सुनाई दे रही है कि क्या गेम ओवर हो सकता है अतीक अहमद का या उनके बच्चों का, क्योंकि योगी जी ने जिस तरह से एक शपथ ली है विधानसभा में, आपने अगर सुना हो तो ठीक है, नहीं सुना हो तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। वहां पर सीधे अखिलेश यादव के ऊपर शिकंजा कसते हुए योगी सरकार ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे। इसका अर्थ बहुत दूर तक समझा जा सकता है। माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी पूरी मजबूती के साथ। ये बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर डर का माहौल है और मुक्त हत्या प्रदेश है, तो मैं इसे नहीं मानता हूं, क्योंकि आए दिन मैं देखता हूं, आए दिन घटनाएं घटित होती रहती है। अब ये जो मामला है उमेश पाल के जो परिवारिक जन है उनका कहना है कि जो अपराधी हैं उनको फांसी की सजा हो। आगे देखो सरकार क्या करती है, वो अपडेट भी हम आपको आगे दे देंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें कि मोदी सरकार के जो कार्य है उसको देख देख कर विदेशियों की बैंड बजी पड़ी हुई है। अब बात करें विदेशियों में से, तो इस समय पाकिस्तान के अंदर लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि काश मेरे भी प्रधानमंत्री मोदी होते। एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं भी भारत का हिस्सा होता। बहुत से लोग ये कह रहे हैं रोड पर उतर करके कि मोदी जी मुझे भी भारत में मिला लो। यानी अब पाकिस्तान भी कहने लगा है कि भारत मुझे मिला लो। यानी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जनता हमारे आपके जैसी है, लेकिन वहां के नेता, वहां के आर्मी वाले, वहां के आतंकवादी, ये सब लोग एक गठन में रह करके पाकिस्तान को सिर्फ बर्बाद करने का काम करते हैं। आज भी एक उम्मीद जगा कर बैठे हैं मोदी जी से कि मोदी जी अगर चाहेंगे तो पाकिस्तान को बचाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं जो बद से बदतर है। अगर मैं बात करूं तो आटा भाई साहब 200 रुपए 250 रुपए किलो मिल रहा, गैस के दाम है औने पौने दाम में चल रहे हैं, डीजल पेट्रोल की अगर बात करूं तो 300, 400, 500 रुपए लीटर मिल रहा है। ये हालात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, फिर भी हमारे भारत में रहकर के लोग कहते हैं कि मोदी जी क्या करते हैं, भाई मोदी जी ने किया क्या है। अरे भैया, मोदी जी ने जो कार्य किया है वो अभी तक के रिकॉर्ड में किसी नेता ने नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है, विदेश के लोग कह रहे हैं। आज जो मोदी सरकार की जो छवि बनी है देश विदेश में, वो बहुत बड़ी छवि बनी है। अगर देखा जाए तो भारत एक लीडर है, अगर देखा जाए तो भारत को बहुत ऊंचे स्तर पर मोदी जी लेकर आए। ऐसे कई तमाम मुद्दे जिन मुद्दों को मोदी जी ने साफ करके उसे क्लीन चिट दे दी और साफ सुथरा कर। यहां पर दूसरी खबर यह आ रही है कि अमित शाह को बहुत सारी धमकी मिल रही है, क्योंकि अमित शाह लेके आ रहे हैं यूजीसी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड करके जो बिल होता है वो लेकर आ रहे हैं। उसमें क्या होगा, सामान्य नागरिक संहिता, मैंने जैसा कि आपको बताया था, एक सामान्य नागरिक मतलब अगर शादियां होंगी तो एक ही रीति रिवाज से होंगी, जो भी कार्य होंगे एक ही रीति रिवाज से होंगे, जो हिंदू के लिए नियम होंगे वो मुस्लिम के लिए होंगे, जो मुस्लिम के लिए होंगे वो हिंदू के लिए होंगे, अन्य जितनी भी जाते सबका एक ही नियम एक ही सिद्धांत होगा। ये देखते हुए कहीं ना कहीं अमित शाह के ऊपर बहुत सारे लोग धमकीबाजी करते हैं, धमकी देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब में भी हाल में एक कांड हुआ, जहां पर अगर मैं बात करूं तो पंजाब का जो केस है वो आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना, लेकिन अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, पंजाब में कुछ खालिस्तानी रहने वाले इंडिया के ही पंजाब में रहते हैं,
लेकिन खालिस्तानी सोच रखे हुए हैं, वो पंजाब से अलग होना चाहते हैं, पंजाब को अलग बांटना चाहते हैं, भारत से अलग करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उनका व्यक्ति जो गिरफ्तार था, उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए पुलिस थाने को घेर लिया और पुलिस वहां कुछ नहीं कर पाई। बिल्कुल हीरो स्टाइल में अपने जो उनका व्यक्ति बंद था उसे छुड़ा कर चले। अब आप सोचिए इस तरीके के हालात हमारे भारत के अंदर रहेंगे, इस तरीके के कानून की व्यवस्था रहेगी, इस तरीके से पुलिस डरेगी, तो आखिर इस देश का क्या होगा? माफिया राज नहीं होगा तो क्या होगा? तो कुल मिलाकर के ये जो सारी खबरें हैं मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि भारत के अंदर क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, मैं चाहता हूँ आपको एक एक जानकारी आपको सटीक मिलती रहे। आज की खबर आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसी खबरों को देखने के लिए इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिए ताकि हम आपको नई नई अपडेट देते रहें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।